बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ये है कि सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले एक सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है, एक छोटा सा प्रोग्राम है ताकि आप थोड़ा सीख लें कि प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। अब ज़ाहिर है मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स होते हैं प्रोग्राम को लिखने के, इसी तरह से सी लैंग्वेज के भी अपने कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही आप अपना जो प्रोग्राम है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। प्रोग्राम की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। कि जो भी आप एक से ज़्यादा मोर देन वन इंस्ट्रक्शन जब भी आप एंटर करेंगे, स्टोर करेंगे कंप्यूटर के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रोग्राम बन जाएगा। उस प्रोग्राम को आप स्टोर कर लेंगे, सेव कर लेंगे, तो जब दिल चाहे आप उस प्रोग्राम को फिर एग्जीक्यूट करके रन करके उसकी आउटपुट या रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ये सी का आप प्रोग्राम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। देखें सबसे पहले हेलो वर्ल्ड, अ सिंपल सी प्रोग्राम, मतलब ये प्रोग्राम क्या करेगा, सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, हेलो वर्ल्ड, मतलब कोई भी मैसेज आप अपनी मर्जी का डिस्प्ले करवा सकती हैं। ये आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हैश का सिंबल है, इसे आप नंबर साइन भी बोलते हैं, हैश भी। इसके आपने एक रिजर्व वर्ड है इंक्लूड, इंक्लूड के बाद एंगल ब्रैकेट के अंदर आपने ये फाइल का नेम है stdio.h, जिस फाइल की एक्सटेंशन h होगी वो आपकी हेडर फाइल कहलाएगी। सी लैंग्वेज के अंदर कुछ प्री डिफाइंड फाइल्स पड़ी हुई हैं सी की लाइब्रेरी के अंदर, जिसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करते हैं। तो ये हेडर फाइल आपकी सी की लाइब्रेरी के अंदर पहले से डिफाइन होकर स्टोर हुई हुई है, आपने ये डिज़ाइन नहीं की। जिस साइंटिस्ट ने सी लैंग्वेज डिज़ाइन की है उसने आपकी सहूलत के लिए बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे आइडेंटिफायर्स बना के स्टोर कर दिए हैं सी की लाइब्रेरी में। तो वो आप जितने भी फंक्शंस हैं या फाइल्स हैं वो आप अपने प्रोग्राम में शामिल करके उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो stdio.h ये हेडर फाइल है सी की लाइब्रेरी में पहले से पड़ी हुई है, इस फाइल को आप अपने हर प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। आगे इसका पर्पस भी मेंशन किया गया है कि इस फाइल को हम शामिल क्यों करते हैं। एसटीडी ये एब्रीवेशन है stdio, एसटीडी का मतलब है स्टैंडर्ड, आई का मतलब है इनपुट और ओ का मतलब है आउटपुट। तो इस हेडर फाइल के नाम से ही जाहिर है कि इस फाइल के अंदर जो फंक्शन डिफाइन हुए हुए हैं वो इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड है। ज़ाहिर है जब आप प्रोग्राम बनाते हैं आपने प्रोग्राम को कोई ना कोई वैल्यू देनी होती है, इनपुट देनी होती है, और प्रोग्राम कैलकुलेशन करके या कोई भी टास्क परफॉर्म करके आपको कोई ना कोई रिजल्ट या आउटपुट देता है। तो हर प्रोग्राम के अंदर इनपुट आउटपुट तो लाजमी है, इसलिए ये प्रोग्राम मतलब ये हेडर फाइल आपके हर प्रोग्राम में शामिल होगी। इंक्लूड का मतलब आपको पता है कि इंक्लूड मीन शामिल करना, इसका मतलब है ये हेडर फाइल सी की लाइब्रेरी से आपके प्रोग्राम के अंदर शामिल हो जाएगी, ये आपके प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगी और इस हेडर फाइल के अंदर जितने भी फंक्शन हैं वो आप इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन है तो ये stdio.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइन हुआ हुआ है, इसलिए हम प्रिंट एफ को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी हेडर फाइल इंक्लूड हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम अपने प्रोग्राम में उन्हें यूज़ करते जाएंगे। उसके बाद है मेन फंक्शन, नाम से ही जाहिर है मेन फंक्शन क्या करता है, आपके प्रोग्राम की मेन बॉडी कंस्ट्रक्ट करता है। ये वॉइड है, ये रिजर्व वर्ड है, ये मेन फंक्शन का नेम है और ये पैरेंथेसिस के अंदर भी हमने वॉइड लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन ना तो आपसे कुछ ले रहा है, वॉइड का मतलब होता है नथिंग, मतलब ना ये आपसे कोई वैल्यू ले रहा है और ना ही कोई आपको वैल्यू दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। तो इसका मकसद क्या है, इस मेन फंक्शन का, मेन फंक्शन का मेन जो पर्पज़ है वो सिर्फ यही है कि प्रोग्राम का आपने स्ट्रक्चर या मेन बॉडी उसकी डिज़ाइन करनी है, इसलिए इसने ना आपसे कुछ लेना है और ना ही आपको कुछ देना है, जस्ट मेन बॉडी बनानी है। उसके बाद ये आपके प्रोग्राम का एक्चुअल जो स्टार्ट है ना वो यहाँ से हो रहा है, इसे बिगिन ब्रैकेट कहते हैं। जब बिगिन ब्रैकेट लगा देते हैं तो उसके इक्विवेलेंट एंड ब्रैकेट भी होनी चाहिए, तो ये बिगिन ब्रैकेट है और ये एंड ब्रैकेट है। इस बिगिन और एंड के अंदर आप अपनी इंस्ट्रक्शन जिसे हम सी लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट कहते हैं वो आप लिखेंगे। तो आपको देख रही हैं कि इस मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रिंट एफ फंक्शन का नाम है, प्रिंट का मतलब है डिस्प्ले, एफ मेन फंक्शन, इसका मतलब है प्रिंट एफ क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई मैसेज या वैल्यू डिस्प्ले करेगा। फंक्शन के नाम के आगे हमेशा पैरेंथेसिस लगती हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मेन के आगे भी पैरेंथेसिस लगाई हुई है, प्रिंट एफ के आगे भी पैरेंथेसिस लगाई हुई है। इस फंक्शन के अंदर हमने सिंपली एक मैसेज लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड,
इस मैसेज को हमने ये डबल कोट डबल कोटेशन मार्क्स है इसके अंदर हम लिखते हैं। डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो आप मैसेज लिखेंगे, जो टेक्स्ट लिखेंगे, वो ऐसा आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा बगैर किसी चेंज के। और ये एंड में सेमी कॉलन लगाया हुआ है, सेमी कॉलन को हम डीलिमिटर कहते हैं या एंड ऑफ स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शन या जो स्टेटमेंट है वो एंड हो गई है। तो सी का सेंटेक्स है कि हर स्टेटमेंट के एंड में हम सेमी कॉलन लगाते हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो एरर या मिस्टेक शो करेगा और रन नहीं होगा। इसलिए जो आपके सी के रूल्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। सिर्फ एक स्टेटमेंट हमने लिखी है उसके बाद प्रोग्राम का एंड कर दिया है, सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट मतलब सॉरी इस प्रोग्राम को जब आप रन करेंगी तो हमारे सामने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज नज़र आएगा हमें, हेलो वर्ल्ड, सिंपल। और कोई आउटपुट नहीं आएगी, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर आपको ये मैसेज डिस्प्ले हुआ नज़र आएगा। आप इसके हेलो वर्ल्ड की जगह कोई और मैसेज भी अगर लिखेंगी तो जब प्रोग्राम को चलाएंगी तो वो आपके सामने वही मैसेज डिस्प्ले होगा। अब इस प्रोग्राम के हम हर पार्ट को अलग अलग डिस्कस करते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर ये जो इंक्लूड है ये क्या चीज़ है, stdio.h है ये क्या चीज़ है, मेन है ये क्या चीज़ है, प्रिंट है, मतलब एक एक चीज़ को आगे उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। अब सबसे पहले देखें इंक्लूड, ये आपका है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसे कहते हैं, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का क्या मतलब है? प्री प्रोसेसर, प्री का मतलब होता है पहले, प्रोसेसर में ज़ाहिर प्रोसेसर क्या है, आपका जो प्रोसेस करता है आपके इंस्ट्रक्शन को या जो आपकी कमांड को प्रोसेस करता है। तो प्री प्रोसेसर का मतलब ये है कि ये ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो आपके कंपाइलर के टास्क शुरू होने से पहले ये ऑलरेडी ये प्रोसेस हो चुकी होती हैं, हम सिर्फ अपने प्रोग्राम के अंदर इन्हें इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये पहले बनी बनाई ये स्टेटमेंट्स हैं जो सी की लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं, हम अपने प्रोग्राम के अंदर उन्हें शामिल कर रहे हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर कमांड्स दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू द सी प्रोसेस प्री प्रोसेसर। द प्री प्रोसेसर इज़ अ प्रोग्राम दैट मॉडिफाइज द सी प्रोग्राम या सोर्स कोड। ज़ाहिर सी के अंदर जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। प्रायर टू इट्स कंपाइलेशन, मतलब कंपाइलेशन से पहले, प्रायर का मतलब होता है पहले, कंपाइलेशन से पहले जो कमांड कंपाइल प्री प्रोसेसर के पास जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। तो ये सारी ऑलरेडी प्रोसेस हुई हुई हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक और भी है डिफाइन के नाम से, वो आगे आप पढ़ेंगी। फिलहाल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम कौन सा पढ़ रहे हैं, इंक्लूड। ये इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है, आपकी हेडर फाइल को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करता है। जैसे stdio.h है, मतलब जिस फाइल की भी एक्सटेंशन वो कहता है .h होगी वो आपकी क्या है, हेडर फाइल है। यहाँ पे देखिए हमने मेंशन किया हुआ है। तो इस हेडर फाइल के अंदर क्या है, डेफिनेशंस ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। इस हेडर फाइल stdio.h के अंदर इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन है। तो इसको लिखने का सिंपल यही तरीका है कि आप लिखते हैं नंबर साइन इंक्लूड और आगे एंगल ब्रैकेट के अंदर हेडर फाइल का नाम लिखते हैं, ठीक है। या आगे हमने सिंटैक्स लिखा हुआ है, सिंटैक्स मीन कि सी के अंदर इसको लिखते कैसे हैं, नंबर साइन या हैश इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट के अंदर स्टैंडर्ड हेडर फाइल का नेम, जैसे stdio.h है, math.h है। अगर आप मैथमेटिक्स की कोई फंक्शन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक हेडर फाइल बनी हुई है math.h, इसके अंदर मैथ से रिलेटेड सारे फंक्शन हैं, जैसे कि स्क्वेयर रूट का फंक्शन है, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के मैथ से रिलेटेड फंक्शन इसके अंदर पड़े हुए हैं और इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन इस हेडर फाइल के अंदर है। तो ये फाइल तो हर प्रोग्राम में होगी stdio.h, बाकी math.h आप अपने उस प्रोग्राम में शामिल करेंगे जिसमें आपने मैथ के फंक्शन इस्तेमाल करने हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। एक और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है डिफाइन के नाम से, वो आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखें आपके प्रोग्राम के अंदर और क्या इस्तेमाल हुआ हुआ है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेन फंक्शन क्या है, जहाँ से आपके प्रोग्राम की जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है, क्योंकि ये मेन फंक्शन आपका क्या करता है, प्रोग्राम की मेन बॉडी बनाता है। जितनी भी स्टेटमेंट हैं वो सारी इस मेन फंक्शन के अंदर हैं। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी कंपाइलर क्या करेगा, एक एक करके उनको कंपाइल करेगा और उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे देखिए इसका सिंटैक्स बताया हुआ, सिंटैक्स मीन के लिखने का तरीका क्या है सी के अंदर। इसमें हम लिखते हैं void main और ब्रैकेट के अंदर void और बिगिन एंड के अंदर जो भी आप बॉडी बनाएंगी, ये आपके डिलिमिटर मतलब स्टार्टिंग ब्रैकेट है और ये एंडिंग ब्रैकेट है, मतलब आपका मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसे हम फंक्शन की बॉडी कहते हैं। डिलिमिटर्स क्या होते हैं, डिलिमिटर्स वही कि बिगिन और एंड, ज़ाहिर आपकी ब्रेसेस ये ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं ना हमने, ये बिगिन ब्रैकेट है और ये एंड ब्रैकेट है, इन्हें हम डिलिमिटर्स कहते हैं।
बिगिन ब्रैकेट अगर लगाते हैं तो एंड भी आपने उसको ज़रूर करना है, क्लोजिंग ब्रैकेट भी लाजमी होनी चाहिए। और स्टेटमेंट टर्मिनेटर, मैंने आपको पता है कि सी लैंग्वेज का ये रूल है कि हर स्टेटमेंट के एंड में हम सेमी कॉलन लगाते हैं, ठीक है। तो जो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट एंड हो चुकी है। उसके बाद आपने एक और फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ इस प्रोग्राम के अंदर, प्रिंट एफ का। मैंने आपको पहले भी पता है कि प्रिंट एफ क्या करता है। प्रिंट एफ का मतलब यही है कि डिस्प्ले करना। प्रिंट एफ के अंदर जो भी आप वैल्यू लिखेंगे या जो भी आप मैसेज लिखेंगे वो स्क्रीन के ऊपर एज सच डिस्प्ले होगा।